हेलो बच्चों, तो आज अपन नया ट्रैक देख रहे हैं एक बार के लिए। ये है अपना आईआईटी का सवाल। इसके अंदर अपन आईआईटीज और नीट के जो क्वेश्चंस हैं या पीएमटी जो पहले पीएमटी हुआ करता था उसके जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। रोजाना हम एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा भी फ्रिक्वेंसी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो से आप पर्टिकुलरली वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे हम बहुत सारे आईआईटीज और नीट के सवाल करने वाले हैं। सो इट्स द फर्स्ट वीडियो, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक ही सवाल करेंगे एक वीडियो के अंदर, ठीक है? और इसमें मैंने थोड़ा सा एडअप कर दिया है, जो सवाल आईआईटी में आया था उसमें थोड़ा सा मैंने मेरा पॉइंट भी डाल दिया कि इस सवाल को ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है? मतलब ये सवाल और आगे इंक्लूड हो सकता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखिए, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू कूलम आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एल मीटर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास में 5 पॉइंट चार्ज है और सभी की वैल्यू प्लस क्यू है और उन्हें कहाँ रखा गया है, रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पे रखा है। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बच्चों, देखा जाए तो ये रेगुलर हेक्सागन में बना देता हूं। रेगुलर हेक्सागन क्या होगा बच्चों, जिसकी सारी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है? तो ये ऐसा अपन ने रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर दिया। फिर रेगुलर हेक्सागन का सेंटर कौन सा होता है, जहां पर इसके ये डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है? दैट विल बी द सेंटर ऑफ दैट रेगुलर हेक्सागन। और बोल रहा है कि इसके 5 वर्टिसेस पर प्लस क्यू चार्ज जो है वो रखा हुआ है, ऐसा ही बोल रहा है वो, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है? और इसकी साइड कितनी है, ये अगर एल है, एल मीटर की है, ये सारी की सारी एल मीटर्स की अगर साइड है बच्चों, तो ये समझो कि ये वैल्यूज भी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, सेंटर जो है वो ईच वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और साइड के इक्वल डिस्टेंस पर। तो मतलब ये वाली भी कैपिटल एल है, ये सारी साइड्स भी क्या होंगी, कैपिटल एल वैल्यू की ही होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ये जो सेंटर है ना, यहां पर माइनस क्यू चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है? इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो पहले अपने दिमाग में समझो, क्या दिमाग में हमने समझा, हमने बोला कि अगर समझना, अगर रेगुलर हेक्सागन के सारे पॉइंट के ऊपर क्यू कूलम चार्ज होता तो इसके सेंटर पे कितना फोर्स होता, जीरो फोर्स होता, ये हमें पता है ना, रेगुलर शेप पे इसलिए जीरो फोर्स होता, ठीक? अब क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि सिर्फ 5 वर्टिसेस पर ही है, तो हमने बोला कि इस वाले, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई आर, ठीक है? अब समझना, ए पर जो चार्ज था क्यू, उसके कारण फोर्स लग रहा है इस तरफ ये, ठीक है? और बी पर जो चार्ज था उसके कारण फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे भाई, क्योंकि सेम चार्ज है और डिस्टेंस सेम है, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके कारण फोर्स कितना लगता, तो लगा के q इंटू क्यू हो जाएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, तो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर विल बी द फोर्स अप्लाइंग इनटू दिस साइड, ठीक है? इतना का इतना फोर्स इस वाले चार्ज के कारण इस तरफ लगेगा बच्चों, ठीक है? तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, माइनस का क्यू चार्ज है तो ये ए वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ड्यू टू ए है और ये वाला फोर्स ड्यू टू डी चार्ज था, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल करने वाले। फिर ऐसा क्या, ऐसा बी और ई वाले पार्ट के साथ में चलेगा, कैसा भाई, बी वाला क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ई वाला भी इसे अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट में थे, कैंसिल कर देंगे। अब रिमेनिंग फोर्स कौन सा है, तो हमने बोला रिमेनिंग फोर्स विल बी दिस, ठीक है? ये माइनस क्यू इस तरफ जाएगा, ठीक है? कितने फोर्स से जाएगा, तो हमने बोला एफ और सी वाला चार्ज से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, सो द एफ रिजल्टेंट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, एफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू एफ सी, फोर्स अप्लाइड बाय द चार्ज सी, कितना के मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हैं, q into q होगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड दैट विल बी l स्क्वायर,
ये के की जगह ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ यही फोर्स तो लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब जो इसमें नेक्स्ट एलिमेंट है जो मैंने डाला है, ये आया हुआ है, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें ये एलिमेंट हमने जोड़ा क्या, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेंटर। अभी भी सेंटर वाले चार्ज के ऊपर ही फोर्स बोल रहा है। इफ माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द रिमेनिंग सिक्स वर्टेक्स, ये थी। यहां पर कितना चार्ज रख दिया जाता, माइनस का क्यू चार्ज रख दिया जाता, तो सेंटर पे फोर्स कितना लगता। सिंपल सा था भाई, समझना क्या होगा भाई। देखो ये वाला फोर्स, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, हट गया। ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, हट गया। अब इसके ऊपर एक तो एफसी फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, एक ये माइनस का क्यू चार्ज जिसको वापस से क्या करेगा बच्चों, रिपेल ही तो करेगा। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो एक और फोर्स इस तरफ लगेगा। ये फोर्स किसके कारण, एफ एफ के कारण। तो रिजल्टेंट फोर्स किसका हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू एफ चार्ज एंड फोर्स ड्यू टू सी चार्ज, इन दोनों का। और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि नेक्स्ट केस बी के अंदर क्या हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट विल बी फोर्स ड्यू टू सी चार्ज और फोर्स ड्यू टू एफ चार्ज, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, जोड़ लीजिए, ऐड कर दीजिए इनको, क्या हो जाएगा, 1/4 πε₀ q² / l² ये भी तो उतना ही डिस्टेंस के साथ में लग रहा है, 1/4 πε₀ q² / l², ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2/4 πε₀ q² / l² 2 से इस 4 को काट दीजिएगा, यहाँ पे 2π₀ रह जाएगा। इतना सही सवाल था बच्चों, है ना, सिंपल, ठीक। अभी कोई जरूरी नहीं है कि वो हेक्सागन के साथ में दे, ये काम बच्चों पेंटागन के साथ में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको पेंटागन के साथ वाला काम खुद करना है, अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि हाँ इश्यू है, पेंटागन वाला भी समझा दीजिए, ठीक है। हैव अ गुड डे बच्चों, ये वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हैव अ गुड डे।